हाय फ्रेंड, अभी हो गए घर का 3 बज रहा है तो मैं अभी जा रही हूँ पिज्जा बनाने के लिए। होम मेड पिज्जा बनाऊंगी, वो भी एकदम मार्केट को फेल कर देने वाला। तो आप पूरी वीडियो बने रहिएगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जितना हो सके उतना दिखाऊंगी। तो यहाँ पे लिया है मैंने नमक का 1 पैकेट और इसे क्या करेंगे, कढ़ाई में डाल देते हैं इसे फ्री हीट होने के लिए। कढ़ाई तब तक फ्री हीट होगा तब तक हम नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए बनाने के लिए क्या क्या लेते हैं वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे एक प्याज लिया है, एक टमाटर और एक शिमला मिर्च लिया है। ये लिया है सेजवान की चटनी, जो कि देखने में अच्छा नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आधा केजी का पैकेट मैदा ली हूँ और ये ली हूँ चीज। तो चीज आप मोंगरेला चीज ले सकते हैं। और ये पनीर का छोटा सा टुकड़ा है जो कि हमने घर पर ही बनाया है। सबसे पहले तो जो भी है पनीर, शिमला मिर्च, टमाटर सबको स्लाइस में काट लेना है। स्लाइस आपके ऊपर है, लंबा में काट सकते हैं या तो चरकोन में काट सकते हैं। मैं यहाँ पे लंबा में ले रही हूँ और यहाँ पे प्याज को ना एक एक बारीकी कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ना सेट करने में बहुत अच्छा होता है। और टमाटर का ना जो अंदर का गुदा होता है उसे निकाल लेते हैं और बाकी बाहर के साइड का स्लाइस में लंबे लंबे में काट लेते हैं। तो सारे को काट के रख लेंगे साइड में। एक बार नमक को मिला लेती हूँ और पनीर को काट लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकती हैं हमने आटा लगा लिया है, और आटा मतलब मैदा का लगाई हूँ। और इसमें डाली हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा चीनी और थोड़ा सा ड्राई स्टर। तो सभी को डालकर मिक्स करके, और थोड़ा तेल भी डाली, रिफाइंड डालिएगा इस, या तो बटर है तो बटर भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं एक पिज्ज़ा बनाऊंगी, तो इस एक छोटा लोई करूंगी और एक करूंगी बड़ा लोई। इसे एक ही साइज का रोटी जैसा बेल लेना है। आप चाहें तो मतलब ये जो छोटा वाला लोई है उसका छोटा साइज कर सकते हैं और फोक से पूरा उसमें होल कर सकते हैं। और उस पर लगाएंगे सेजवान चटनी, उसके बाद चीज लगाऊंगी, कद्दूकस करके डालूंगी, और उसके बाद डालेंगे दूसरी वाली जो रोटी है ना छोटी वाली उसको डालना है। और डालने के बाद उसके ऊपर भी सेजवान चटनी लगा लेना है। और प्लेट में लगा लेंगे बटर। और इसमें देखिए पूरी सब्जी में क्या है, हाफ स्पून डालेंगे सोया सॉस और 1 स्पून चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली है तो वो भी डाल सकते हैं। 1 स्पून डालेंगे टमाटर सॉस और सारे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें भी नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि नमक ध्यान से डालिएगा, चीज़ में भी नमक होता है और प्लस सेजवान चटनी में भी नमक होता है, तो आप ध्यान से डालिएगा। और उसके बाद सारे को मिक्स कर लेना है। और देख सकते हैं प्लेट में आप क्या करेंगे, सजा देंगे। और लीजिए भाई, हमारा पिज्ज़ा बन जाएगा, बहुत टेस्टी पिज्ज़ा बनेगा। ऐसा पिज्ज़ा ना कि मतलब आप उंगलियां चाटती ही रह जाएंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कि हमने पूरा प्लेट में पनीर भी सजा दिया है। और रख देते हैं इसे बेक करने के लिए। तो 20 से 15 मिनट तक रखना है। 15 मिनट पे एक बार चेक कर लेना है, अगर नहीं होगा तो फिर 20 मिनट के लिए रख देना है। यहाँ पे हमारा 20 मिनट हो गया है, तो चलिए इसे निकाल के चेक करते हैं कि कैसा हमारा बन के पिज्ज़ा रेडी हो गया है। आप सबको डिवाइड करो ना। अच्छा, हाँ दादा, बाबा को तो कम मिलना चाहिए। हाँ हाँ, आओ लो, ये बिट्टू का, मेरा बिट्टू के लिए, ये बिट्टू दे दे। ना नहीं, ए जो दे दे, ये बिट्टू का हो गया, वो मेरा दे दे। चलो खाते हैं। चलो, माम ने बनाया है बहुत। उसको क्यों खिलाया, आपका है ना वो, तो अच्छा लगा बहुत। मार्केट से भी अच्छा है ना, बहुत ज्यादा। आप लोग बोलते हैं मार्केट का है, लोग ऐसे भी हम लोग घर का ही खाते हैं, मार्केट का नहीं खाते है ना। ये खाती हैं बेटू, भी नहीं खाते, खाते बेटू ये, इनका तो खत्म हो गया, ये बहुत जल्दी खा लिया। इसमें ना वो मोगरेला चीज होता है ना,
उससे रस निकलते हैं। इसमें वो वाला चीज़ हम लोग नहीं डाले हैं ना। मैं जानती हूँ कि कई लोगों का ये कमेंट आएगा कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी खा सकते हैं। और अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ बहुत कम नसीब होता है कि साथ में बैठ के खाने को मिलता है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बच्चों के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरी वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। पास हुआ है आज। कौन पास? क्या है? संसद भवन में नारी संसद भवन में आज पास हुआ ना बिल, जो महिलाओं को 33% अब क्या आरक्षण मिलेगा। आरक्षित मतलब? आरक्षण मतलब हर फैसिलिटी, सब कुछ सुविधा, हर क्षेत्र में नौकरी, हर चीज सब कुछ मिलेगा। आरक्षण का कहने का मतलब 33% मिलेगा। पहले कितना मिलता था? बहुत कम था, 15% था पहले। अरे डबल कर दिया तब तो बहुत बढ़िया है। अब 35%। मैं तो इतना ज़्यादा खा ली हूँ कि बर्तन धो नहीं पाई, पेट एकदम फूल हो गया है। तो अभी थोड़ा सा टाल कर फिर